सभी को जय हिंद। स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, आपके अपने ऑनलाइन इस परिवार डिफेंस गुरुजी के अंदर। आज हम कुछ चीजों को पढ़ने वाले नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना। आज हम कुछ चीजों के बारे में जानने वाले हैं, और वो भी स्पेशली अगर मैं बात करूं कि कैसे यार आप अपना सैनिक से ऑफिसर तक का सफर जो है अपना वो कैसे तय करें, उसके अंदर कैसे आप हाउ टू ज्वाइन, जैसे मैंने आपके सामने चार पार्ट लेके आया हूं कि भाई कैसे हाउ टू ज्वाइन, कि कैसे आप इस ऑफिसर तक के सफर को तय करने में, आप इस सफर को कंप्लीट करने में क्या क्या वो प्रोसीजर रहेगा, क्या क्या चीजें आपके सामने आएंगे जिनसे आप ये सफर जो है अपना कंप्लीट कर सकते हैं, और जो आपका सपना आपने जो देखा है एक ऑफिसर बनने का, एक सैनिक से ऑफिसर बनने का, वो सपना आप बहुत ही जल्द, क्योंकि प्लानिंग के थ्रू सारी चीजें जो है ध्यान रखना सक्सेस होती है, ठीक है। बट उन चीजों के बारे में जैसे प्लानिंग आप करते जाएंगे, प्लानिंग के थ्रू वो चीजें ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे और एक दिन जरूर आप उस चीज तक पहुंच सकते हैं। बस चलिए, बात है जब कि हाउ टू ज्वाइन, कि कैसे हम इस सफर को तय करें, उसके लिए कैसे हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए ऊपर जो दिया गया है वो आपके सामने लिखा है ACC 131, जिसका मतलब होता है आर्मी कैडेट कॉलेज जो है वो, आप जब सैनिक होते हैं, जब सोल्जर के रूप में आप हमारे देश को सर्व कर रहे होते हैं, उसके लिए आपका एक इंटरनल एग्जाम लेता है ACC आर्मी के थ्रू। ये आपका ज्वाइन जो आपका इंडियन आर्मी है उसके थ्रू आपका ये एग्जाम होता है, जिसमें आप एक ऑफिसर रैंक के ऊपर यानी कि डायरेक्ट आप लेफ्टिनेंट बन सकते हैं इन द इंडियन आर्मी। उसके ये जो ACC है वो इंटरनली एग्जाम कंडक्ट करवाती है, और आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ये चीजें पता भी होंगी बेहतरीन तरीके से, और इन चीजों को और क्लेरिफाई करने के लिए, इन चीजों को क्लियर करने के लिए मैं आज ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो शायद आपको पता ना हो, या फिर ऐसे बहुत सारे डाउट आपके सामने होंगे, उन सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए ही मैं ये जो वीडियो है आपकी वो आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। दूसरी चीज की एज लिमिट है वो क्या रह सकती है ना, ये क्या है। सेकंड नंबर पर हम बात करेंगे कि क्या एज लिमिट होनी चाहिए, कहां तक आप, कि जिस एज तक आप हैं क्या आप अप्लाई कर सकते कि नहीं कर सकते। इसके बाद जो थर्ड जो चीज होगी, हम जानेंगे अबाउट द एग्जाम पैटर्न, कि एग्जाम जो पैटर्न जो होता है वो कैसे रहता, क्या नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर आती या फिर नहीं आती, ठीक है, कितने आपके सब्जेक्ट इसके अंदर इंक्लूड रहते हैं, वो सारी चीजें हम जानेंगे। और फिर एट लास्ट जो आपका लास्ट में जो चीज होती है वो होता है सिलेक्शन प्रोसीजर, कि कैसे आप सिलेक्शन ले सकते हो, उस सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, यानी कि क्या क्या उसकी प्रोसेस है, क्या क्या स्टेप जो रहते हैं आप इस एग्जाम के लिए होते हैं जिसमें आप एक ऑफिसर बनते हैं थ्रू द ACC, ठीक है, जो कि आपका ये एग्जाम है। अब जो नोटिफिकेशन इसके लिए जारी हुआ है वो है आपका ACC 131 के लिए, ठीक है। हाल ही में 5 जनवरी को आपका ACC 130 का एग्जाम हुआ था, जिसको लेकर के हमने अबाउट द लेवल की कैसा आपका लेवल रहा है एग्जाम का, बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया, और बहुत सारी चीजें भी जाने की क्या लेवल उसका रहता है यार, कैसी कैसी चीजें आपकी आती हैं, या ऐसी वीडियो भी हमने बनाई है कि कहां से आपके क्वेश्चन जो है सबसे ज्यादा आ रहे हैं, या फिर आप कौन सी चीजों को ज्यादा फोकस्ड होकर आप पढ़े, ठीक है, क्या कितना चीजें आप पढ़े कि आप उन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से कर भी पाए, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी वीडियोज हमने बनाई है, और आपके लिए आपकी सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए ऐसी ही वीडियोस मैं और भी आपके लिए बनाता रहूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत बीच में ना आए, ठीक है। चलिए, इस सफर को पूरा करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, और इसके साथ साथ आपके लिए एक तोहफा भी मैं लेके आया हूं, कि भाई हमारा जो बैच है डिफेंस गुरुजी की टीम के द्वारा, जो हमेशा से ही, चाहे आप प्रीवियस ईयर्स में देख लीजिए हमारा रिजल्ट कितना शानदार रहा है, और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा, ये चीज आप ध्यान रखें। बहुत अच्छे एक एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ हमारी जो डिफेंस गुरुजी की टीम है आगे बढ़ती रही, और ऐसे ही बढ़ती भी रहेगी, और अपना रिजल्ट का जो जलवा है आपके सामने बिखेरती रहेगी, ठीक है, और आपका नाम भी उसके अंदर आने वाला है, ठीक है। देखिएगा, इसके लिए हमारा जो तोहफा है कि ACC 131 एग्जाम जो होगा 1 अगस्त को जो कंडक्ट होने वाला है, उस एग्जाम के लिए एक नया बैच हमारी टीम के द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है 15 जनवरी को। कब किया जा रहा है ध्यान रखना, 15 जनवरी को ये जो टेस्ट है, 15 जनवरी को ये हमारा जो
बैच है, नया बैच वो स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले बहुत सारी जानकारियां हम आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है, ताकि आप ये चीजें और अच्छे तरीके से पकड़ सके। इनके लिए जो मोबाइल नंबर है 8930310147 या फिर 8930910147 किसी भी नंबर के ऊपर मैसेज या फिर कॉल कर सकते हैं और संपूर्ण जो जानकारी है वो आप यहां से मिल सकते हैं आपको, ठीक है, जिसमें आपको फैसिलिटीज के रूप में लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, नोट्स और टेस्ट भी मिलेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस मटेरियल भी आपको दिया जाएगा, इसके साथ साथ हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज के सभी जो सब्जेक्ट हैं उनकी क्लासेज है वो रेगुलर तरीके से आपके लिए लगाई जाएंगी, ठीक है। तो चलिए अब जानते हैं उस प्रोसेस के बारे में जो आपके सामने रहेंगी। बात करते हैं हम एसएससी 130 के लिए, सबसे पहली जो चीज है वो है आपके लिए एज लिमिट। एज लिमिट जो है आपकी वो होनी चाहिए भाई 2 जुलाई 1998 से लेकर 2 जुलाई 2005, ठीक है ना, 1998 से 2005 के बीच में अगर आप हैं तो आप ये एग्जाम है वो क्लियर कर सकते, यानी कि फिल कर सकते हैं। दूसरी चीज, देयर शुड बी नो रेड एंट्री इन लास्ट, आपके लास्ट वन ईयर के अंदर कोई भी रेड इंक एंट्री नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज जो आपका एग्जाम है कि भाई आपका एग्जाम जो है कितना टाइम आपके पास है, तो 6 महीने आप लगा करके चल सकते हैं कि 6 महीने तो आपके सामने है और 6 महीने में बहुत अच्छे तरीके से आप चीजों को क्लियर कर सकते हैं और बहुत अच्छी रैंक भी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 अगस्त 2024 को आपका एग्जाम होना है एसीसी 131 के लिए, मैं ये चीजें आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो एज लिमिट की अगर मैं बात करता हूं, 1998 से 2005, 2 जुलाई आपकी डेट भी दी गई इसके साथ में ही, 1 अगस्त 2024 को आपका होना है एग्जाम, ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे अगर मैं बात करता हूं कि एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो क्या हो सकता है, सभी चीजें क्लियर होंगी। कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ सर्विस, आपको सर्विस करते हुए कम से कम 2 साल वहां पर कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। ये पर्सनल शुड हैव मिनिमम 3 ईयर्स ऑफ सर्विस, ठीक है, टीए के पर्सनल शुड हैव मिनिमम 3 ईयर की आपकी सर्विस होनी चाहिए। और कैंडिडेट एज जो है वो लिमिट होनी चाहिए, रेंज कहां से कहां तक कि आप 20 से 27 साल तक, यानी कि मैक्सिमम जो आपकी एज लिमिट है वो कितनी है, 27 साल, 27 ईयर्स, कि यहां तक आप 27 साल तक क्या भर सकते हैं, उस एग्जाम को आप फिल कर सकते हैं आर्मी कैडेट कॉलेज के, इस एसीसी जो आपका कंडक्ट कराती है इस एग्जाम को, ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीजों के ऊपर। द कैंडिडेट्स मस्ट हैव कंप्लीटेड और क्वालिफाइड इंटरमीडिएट एग्जाम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और वो भी कौन सा एग्जाम भाई, 12th का, ठीक है। बोथ मैरिड एंड अनमैरिड, चाहे आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड, दोनों ही केस में आप इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, यू कैन अवेल मैक्सिमम 3 चांस ऑफ एसीसी एंट्री, आपको ज्यादा से ज्यादा कितने भाई, मैक्सिमम 3 चांसेस मिलते हैं इस एंट्री के लिए। एंड यू कैन अप्लाई फ्रॉम एनी ऑफ द सर्विस, चाहे आप इंडियन आर्मी में है, चाहे आप इंडियन एयरफोर्स में है, चाहे आप इंडियन नेवी के अंदर है, एज अगर सोल्जर आप सर्व कर रहे हैं हमारे देश को, तो आप इस एग्जाम को कंडक्ट कर सकते हैं और आप इसके अंदर आप हिस्सा भी ले सकते हैं, ठीक है, चाहे आप किसी भी फोर्स में है तीनों में से, ठीक है। इसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर अप्लाइंग फॉर एसीसी, एसीसी को अप्लाई करने के लिए द जवान मस्ट हैव ए गुड एसीआर, आपका जो एसीआर है वो क्या होना चाहिए, यानी कि ये सारी टर्म जो है आपकी किससे रिलेटेड है, आप सभी को पता है एसीआर क्या होता है, ठीक है ना, क्योंकि आप इन चीजों से रिलेट है, ठीक है। तो जवान मस्ट हैव ए गुड एसीआर, आपका एसीआर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, गुड होना चाहिए। आगे, वन मस्ट हैव ए क्लीन रिकॉर्ड विदाउट एनी डिसिप्लिनरी एक्शन, और बिना किसी डिसिप्लिनरी एक्शन के, विदाउट एनी डिसिप्लिनरी एक्शन आपका जो रिकॉर्ड है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आगे देखो, ए यूनिट लेवल रिटन एग्जाम विल बी कंडक्टेड बाय द सीओ या फिर ओसी टू फाइंड द पोटेंशियल ऑफ सोल्जर्स हु कैन गो अहेड फॉर एसीसी एंट्री, और ये जो एग्जाम होता है वो किसके द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है भाई, सीओ या फिर ओसी, और ये जानने के लिए कितना पोटेंशियल है सोल्जर्स के अंदर इसको ऐड करने, इसका सामना करने के लिए एसीसी एंट्री का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं भाई, डॉक्यूमेंट जो आपके रिक्वायर्ड है वो क्या है, सीप्लेट नोमियल फॉर ईच कैंडिडेट, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, परमिशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, और परमिशन सर्टिफिकेट कौन सा होता है, जो आप यूनिट राउंड स्टेप यानी कि सीओ के द्वारा अफिक्स आपके डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए, और परमिशन जो आपका सीओ अगर आपको परमिशन देता है तभी आप इस एग्जाम को दे पाएंगे, ये चीज भी क्लियर होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। आगे, सीटीसी फॉल और एजुकेशन डॉक्यूमेंट 10th और 12th को इंक्लूड करके, ठीक है। आगे देखो शाबाश, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई कर सकते हैं,
इसके लिए आपको कंसल्ट करना चाहिए योर रिस्पेक्टिव क्लर्क हो या फिर एजुकेशन जो जेसी होता है जूनियर कमांडिंग ऑफिसर, टू फिल द फॉर्म एंड सेंड इट टू योर नियरेस्ट एचआरडीसी। ऐसे आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। कि आप अप्लाई कैसे करें इसके लिए, अगर आपको ये चीजें चाहिए तो आप इस तरीके से इनको अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम जानते हैं कि भाई आपका जो एग्जाम पैटर्न होता है उस चीज को लेकर मैं अगर बात करता हूं, एग्जाम पैटर्न क्या होता है। देखिए टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस यहां पर रहेंगे वो कितने रहते हैं भाई, 150। कितने क्वेश्चंस रहते हैं टोटल कुल मिलाकर के, 150 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें 150 क्वेश्चंस के लिए 300 यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको कितने मार्क्स होते हैं भाई, 2 मार्क्स, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होती या नहीं होती, बिल्कुल होती है भाई, 0.5 या अगर मैं बात करता हूं 1/4 आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग यहां इस एग्जाम में आपको देखने को मिलती है, ठीक है ना। और सारे के सारे आपके क्वेश्चंस जो होंगे एमसीक्यू, पूरी जानकारी मैं यहां आपको दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे वो आपको पैटर्न को लेकर हो, सिलेबस को लेकर है, या कुछ भी हो, ठीक है ना। इसके बाद देखिए जरा सिलेबस की अगर मैं बात करता हूं, इंग्लिश के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट है स्पोर्टिंग एरर आपके रहेंगे, डायरेक्ट एंड और कौन से टॉपिक की इसके अंदर रहते हैं। सबसे पहले अगर बात करता हूं कि भाई जो टोटल मार्क्स रहते हैं 150 क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके 6 सब्जेक्ट से आते हैं। कितने सब्जेक्ट से आते हैं, 6 सब्जेक्ट के अंदर से। पहला अगर मैं बात करता हूं भाई लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग से आपके 25 और हर एक सेक्शन से आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे रीजनिंग। उसके बाद एप्टीट्यूड, इसके बाद इंग्लिश, इंग्लिश के बाद जो आपका आता है वो रहेगा भाई जीके, जीके के बाद एक ह्यूमैनिटीज का पोर्शन आता है, ठीक है, और ह्यूमैनिटीज के बाद जो रहता है वो क्या है भाई, जो आपका जनरल साइंस। ये 6 आपके पोर्शन रहते हैं इस एग्जाम के अंदर और हर एक से आपके 25 क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेंगे। और 25 क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय 3 आप कहेंगे सर 150 क्वेश्चंस जो है आपको इस तरीके से देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे देखिए जरा, इसके अंदर आपके इंग्लिश में बात करता हूं, स्पोर्टिंग एरर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, सिनोनिम एंटोनिम, इडियम फ्रेजेस और कंप्रीहेंशन पैसेज, वो ये पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। इससे अलग आपको कुछ पढ़ने की जरूरत यहाँ पे नहीं होती है। और ऐसे धायल सर ने आपको बहुत सारी चीजें इनके बारे में बताई गई होंगी। इसके बाद अगर आता है एप्टीट्यूड या फिर मैथ्स की बात करता हूं, इसके आप इसके अंदर आपका एडवांस भी होगा पोर्शन और अर्थमेटिक पोर्शन भी रहेगा। जैसे अर्थमेटिक है अल्जेब्रा, ठीक है, अर्थमेटिक पूरा पोर्शन रहेगा जिसमें इसके बाद अल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री और स्टैटिक्स या फिर आप प्रोबेबिलिटी लगाकर चल सकते हैं, ये रिलेटेड जो होगा आपका मैथ्स का पोर्शन रहता है, ठीक है। सारी चीजें आप जानते हैं अर्थमेटिक के अंदर क्या क्या पोर्शन आता है। इसके बाद रीजनिंग की मैं बात करता हूं तो भाई रीजनिंग के अंदर वर्बल पोर्शन भी होगा और नॉन वर्बल पोर्शन भी होगा, ठीक है ना। वर्बल पोर्शन की अगर आप बात करेंगे कि भाई इसके अंदर नंबर सीरीज हो गई, लेटर सीरीज या फिर अल्फाबेटिकल सीरीज आप कह सकते हैं, एनालॉगी, कोडिंग डिकोडिंग, ड्राइविंग कंक्लूजंस, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन टेस्ट, सिंबल सब्स्टिट्यूशन और कैलेंडर। क्लॉक बहुत कम पूछी जाती है, कैलेंडर से एक क्वेश्चन आपका बहुत हर बार आता है, ठीक है ना, कैलेंडर से हर बार आता है बट क्लॉक बहुत कम पूछी जाती है, ठीक है। ये तो वर्बल का पार्ट रहेगा। और नॉन वर्बल, यहां से आप ये मान के चलिए कि 10 क्वेश्चन, कम से कम 10 क्वेश्चन से 12 क्वेश्चन अकेले इन तीनों चैप्टर से, और तीनों चैप्टर के अंदर क्या है सीरीज, सीरीज कौन सी, यानी कि नॉन वर्बल का मतलब आप समझ ही गए होंगे ना, फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन, तो फिगर जो सीरीज होगी उससे क्वेश्चन, एनालॉगी से या फिर क्लासिफिकेशन से, इन्हीं से आपसे क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे, ठीक है। चलो आगे देख और बढ़ते हैं। जनरल साइंस में अगर मैं बात करता हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस और एनवायरमेंटल साइंस, इनसे आपके जनरल साइंस के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4-4 क्वेश्चन के आसपास आपके, 4 या 4 से 5 क्वेश्चन हर एक पोर्शन, चाहे वो आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो, बिल्कुल बेसिक आपकी टर्म रहेंगे, वो आपका जनरल साइंस के एक अलग वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से वो चीजें बताई भी जाएंगी, ठीक है, कि क्या क्या आपका यहां आता है। आगे देखते हैं भाई ह्यूमैनिटीज और जीके में बात करें तो इंडिया और वर्ल्ड के बारे में, यानी कि सारा का सारा जो आपका ये पोर्शन रहता वो रहता भाई वन लाइनर या फिर स्टैटिक, ठीक है ना, वन लाइनर या फिर स्टैटिक पूरा का पूरा पोर्शन रहेगा, चाहे वो आर्म्ड फोर्स के बारे में पूछ ले आपसे, स्पोर्ट्स के अंदर कि इस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, कुछ भी आपसे पूछ सकता है, आर्ट कल्चर और लिटरेचर से संबंधित, नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स जितने भी होंगे, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर आपसे पूछ सकता है, उनकी एस्टेब्लिशमेंट आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद कॉमन जो आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड
आपके कॉमन जो यानी कि वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिक जीके के रूप में जो आते हैं वो भी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो भाई ये सारी की सारी चीजें हमने पढ़ी कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आप कैसे इनको अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट क्या होगी, हर एक चीज हमने जानी। ये सारा का सारा पोर्शन आपका जो रिलेट करता है वो करता है जो हमारा ACC का एग्जाम होता है। इसके बाद सिलेक्शन की अगर मैं बात करूं, जैसे ही आप इस टेस्ट के अंदर शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आपको शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को बुलाया जाता है फॉर द SSB बाय सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड लेता है। और आर्मी जो आपके स्टेशन है, आर्मी के 4 ऐसे सेंटर हैं जहां पर SSB कंडक्ट करवाया जाता है थ्रू द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। वो कौन कौन से मैं आपको बता दूं एक बार आपको, भोपाल, अलाहाबाद जो प्रयागराज में है, बेंगलोर और फिर कपूरथला, 4 ऐसे सेंटर हैं जहां पर आपको आफ्टर टेस्ट के अंदर शॉर्ट लिस्ट होने के बाद 4 जगह पर जो आपकी SSB जहां पर होती है, ठीक है ना। SSB जो कि सबसे अहम होती है, और मैं ये मानता हूं यार आप है ना अपनी लाइफ में एक बार SSB जरूर दें, ठीक है ना। ऑफिसर बनना है यार, वो चीज आपको करनी पड़ेगी, वो चीजें आपको फेस करनी पड़ेगी, और SSB से रिलेटेड उससे कि क्या SSB के अंदर होता है, सारी की सारी संपूर्ण जानकारी जो होगी मैं SSB के लिए आपके लिए लेकर आऊंगा एक अलग से वीडियो के अंदर। मैं जस्ट एक आपका कॉमन व्यू बता रहा हूं कि कैसे आपकी चीजें होंगी, कैसे सिलेक्शन होता है, ठीक है। यहां पे आपका 5 दिन का इंटरव्यू रहता है, जिसके अंदर पहला दिन जो होता है उसको स्क्रीनिंग टेस्ट बोला जाता है। अगर स्क्रीनिंग आप हो जाते हैं तो आपको 5 दिन तक रहना होता है इंक्लूडिंग फर्स्ट डे, ठीक है, 5 दिन तक। लास्ट डे आपकी कॉन्फ्रेंस होती है, कॉन्फ्रेंस में आपको लास्ट में रिजल्ट बता दिया जाता है कि आप सिलेक्टेड है कि नहीं है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, अगर चीजें अगर जुनून के साथ करते हैं तो वो लास्ट में एक ही वर्ड छोड़ती है, और वो जो वर्ड होता है वो ये होता है सिलेक्टेड, कि जब आप इस वर्ड को देखे अगर, ठीक है ना, सिलेक्टेड जब आए तो भाई जो नजारा होगा यार, आपका मन इतना खुश होगा, आप मतलब बस पूछो मत ये चीजें, ठीक है ना, आप खुद ब खुद इन चीजों के बारे में जान जाएंगे। मैं जस्ट एक व्यू दे रहा हूं, वो उन चीजों का आप समझिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके लिए होंगी, तो पूरा का पूरा ओवरव्यू मैंने एक बार आपको दिया है इन चीजों को लेकर के। ये जो चीज है आपकी ACC 131 कंप्लीट बैच के लिए भाई, ऑनलाइन क्लासेस जिसमें रहेंगी, रिवीजन क्लास होगी, डाउट क्लास आपकी ली जाएगी, और कंप्लीट स्टडी मटेरियल भी आपको दिया जाएगा विद PYQs, किसके साथ साथ, PYQs के साथ साथ, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस है वो आपको बेहतरीन बनाएगी, तो पूरा का पूरा मटेरियल आपको दिया जाएगा। और इसके लिए हमारा जो बैच है आपका 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, इसके अंदर इनरोल जरूर करना, क्योंकि आपका जो जुनून है उसको हम जरूर उस सक्सेस तक लेकर जाएंगे जो आपकी बनती है आपके लिए, ठीक है। तो ये आप कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं आप दोनों दिए गए नंबर्स के ऊपर, ठीक है, और बैच से रिलेटेड सारी जानकारी इसमें आप जान सकते हैं, और बहुत सारी चीजों के बारे में मैंने बताया है। अगर कोई और भी आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वो भी आपका क्लियर करवा जाएगा थ्रू द वीडियोस और थ्रू द कमेंट्स, ठीक है। चलिए मिलते हैं और किसी बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।